करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितविहितं वा सरमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्जे श्रीमहादेव शंभुम ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। इस सप्ताह कैसी रहेगी आपकी लाइफ? क्या कुछ नया होने वाला है आपकी जिंदगी में? किसे मिलने वाला है मनचाहा प्यार और किसे मिलेगा धन अपरंपार? बताऊंगा मैं आपको अपने ज्योतिष के अनुसार। इस सप्ताह तुला वृश्चिक धनु राशि वाले लोगों को खास तौर से संभल कर रहना होगा। इन लोगों की जॉब और बिजनेस में अनचाहे बदलाव हो सकते हैं। साथ ही मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। वहीं वृष, मिथुन और मीन राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वाले, इस सप्ताह आपका विवेक व चतुराई से काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक साबित होगा। अचानक से किसी दोस्त या नज़दीकी रिश्तेदार के आगमन से सभी को प्रसन्नता मिलेगी। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से वे तनाव मुक्त महसूस करेंगे। कुछ समय से आपको आगाह किया जा रहा है कि अपने संकालु स्वभाव में परिवर्तन लाएं और शांतिपूर्ण तरीके से स्थितियों पर विचार विमर्श करें। किसी पैतृक संपत्ति संबंधी मसले को लेकर भी तनाव रह सकता है। व्यापारिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। अधिकतर काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे। अपनी योजनाएं गुप्त रखें क्योंकि अपने ही किसी कर्मचारी के द्वारा लीक होने की आशंका है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी अपने ऑफिस में मान सम्मान व साख बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु वर्तमान परिस्थितियों से अपना बचाव करना आवश्यक है। वृषभ राशि वाले, इस सप्ताह अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय अपने परिवार व मित्रों के लिए भी अवश्य निकालें। इससे आप तनाव मुक्त व ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा कुछ नई जानकारियां भी हासिल हो सकती हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर आप अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे। हर काम ठंडे दिमाग से सोच विचार कर ही करें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। इस सप्ताह आपको व्यापार में कोई दिक्कत आने पर अपने असूलों और सिद्धांतों से आपको कुछ समझौता ना करना, परंतु नौकरी अथवा व्यवसाय में माहौल को अनुकूल बनाने में आप कामयाब रहेंगे तथा सौंपी गई जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन बखूबी करेंगे। आपके स्वास्थ्य में पेट जैसी समस्या रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें। मांस मदरा का सेवन आपके लिए नुकसानदायक होगा, ऐसी चीजों से परहेज करें। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों के परिवार में किसी विवाह योग्य व्यक्ति के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। समय में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी रुचि रहेगी। अगर किसी प्रकार की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित ही रखें क्योंकि किसी प्रकार के नुकसान होने की आशंका है। घर में आए किसी रिश्तेदार के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना ही उलझें तो अच्छा है। आपका व्यवसाय खर्चों के साथ साथ आय की भी अच्छी स्थिति रहेगी, इसीलिए किसी प्रकार की भी चिंता ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ट्रांसफर संबंधी ऑर्डर की सूचना मिल सकती है जिसमें तरक्की भी निश्चित है। आपका स्वास्थ्य में बदहजमी की वजह से पेट खराब रहेगा, हल्का और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। कर्क राशि वाले, आप सामाजिक कार्यों में कुछ ऐसा सकारात्मक काम करेंगे कि लोग आपकी काबिलियत व योग्यता के कायल हो जाएंगे। घर में किसी नए मेहमान की
किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से उत्सव भरा माहौल रहेगा। छात्र गलत संगत तथा गलत आदतों से दूरी बनाकर रखें। बेहतर होगा किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह का अनुसरण करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। व्यापार में आपकी कार्यकुशलता और कार्य क्षमता में कुछ कमी रह सकती है। खुद को साबित करने के लिए अधिक संघर्ष और परिश्रम की जरूरत है। राजनैतिक संपर्क आपके लिए फायदेमंद अनुबंध प्राप्त करा सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। सिंह राशि वाले, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। उन्नति के नए आयाम भी मिलेंगे। आप आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा अपने कार्य पर अधिक ध्यान दें। कभी कभी आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं, इसलिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपको फायदा होगा। व्यवसायिक स्थल पर अपने सहयोगियों एवं कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। फालतू गतिविधियों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय बर्बाद हो सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य पर भी पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों का अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो वह किसी अधिकारी की मदद से पूर्ण हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। कोई महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा तथा भावनात्मक रूप से आप अपने आप को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कभी कभी आप गुस्से की वजह से अपना आपा खो देते हैं और इसकी वजह से किसी पड़ोसी या निकट संबंधी के साथ क्लेश जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका लग रही है। बेहतर होगा कि बात को अधिक तूल ना दें और उसे इग्नोर करना सीखें। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। काफी समय से आप कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाने की योजना बना रहे हैं, उन पर अमल करने का उचित समय आ गया है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ काम की वजह से कुछ मनमुटाव हो सकता है। आप अपने अंदर कुछ अजीब सी कमजोरी व घुटन महसूस करेंगे। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें। तुला राशि वाले, मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव करेंगे। इच्छित कार्य समय पर पूरे हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा और यदि आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन का भाव भी लाना पड़ेगा। कुल मिलाकर समय मनोरंजन व मौज मस्ती वाला है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अनजाना सा खालीपन महसूस होगा। किसी अनजानी चीज की तलाश महसूस होगी, परंतु थोड़ा सा मनन और आत्मविश्लेषण करने पर आप इस दुविधा से अपने आप को निकालने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन साथ ही खर्चा भी ज्यादा रहेगा। बिजनेस में आपके द्वारा किए गए त्वरित निर्णय पॉजिटिव रहेंगे। पार्टियों के साथ किसी विषय पर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। नौकरी में आप परिचित लोगों के साथ थोड़ा सावधान रहें। मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है, इसलिए अकारण ही होने वाली बाहरी गतिविधियों को स्थगित रखें। वृश्चिक राशि वाले, प्रतिष्ठित लोगों से मिलना जुलना फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा काम भी बनने की संभावना है। कुछ समय से चल रहे पारिवारिक गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करें। समय उचित है, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने स्वभाव को सरल व मधुर बनाकर रखें। कठोरता पूर्ण व्यवहार की वजह से समाज में आपकी छवि पर आंच आ सकती है। बच्चों की समस्याओं में डांट फटकार की वजह उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करें, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में धन संबंधी निवेश करते समय
घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से समय को व्यतीत करें। भावुकता में आकर बिना सोचे समझे दूसरों की योजनाओं का अनुसरण ना करें। यूं तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, लेकिन कुछ आलस्य प्रमाद की स्थिति रह सकती है। आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। धनु राशि वाले, आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतर रहेगा। समाज सेवी संस्थाओं में कुछ चैरिटी भी करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बुजुर्गों की सेवा व देखभाल करने में भी समय व्यतीत होगा। परंतु ध्यान रखें कि कभी कभी आपका शंकालु स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। दिखावे जैसी प्रवृत्ति से बचें। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। कार्य क्षेत्र संबंधी अपनी योजनाएं और गतिविधियां किसी के सामने जाहिर ना करें, वरना कोई व्यक्ति आपके साथ छल फरेब भी कर सकता है। नौकरी में किसी अफसर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी अवश्य बरतें। मकर राशि वाले, पारिवारिक मतभेद किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएंगे। सिर्फ धैर्य और एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखने की आवश्यकता है। अधिकतर समय अध्यात्म तथा कुछ गूढ़ विषयों को जानने में व्यतीत होगा। सम्मान व प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। ध्यान रखें, आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है, जिसकी वजह से कई घनिष्ठ मित्रों के साथ संबंधों में कटुता आने की आशंका है। कुछ समय धार्मिक स्थल में जाकर एकांत में व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक सुकून और शांति प्राप्त होगी। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ नवीनीकरण या परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए उचित रहेगा, परंतु किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह भी लें तो अच्छा रहेगा। बीमा शेयर तथा कमीशन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएं, जिससे स्वास्थ्य पर वर्तमान वातावरण का नकारात्मक असर ना पड़े। कुंभ राशि वाले, अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए उचित समय निकालेंगे। कुछ नया करने की उमंग व जोश रहेगा। धर्म तथा अध्यात्म में भी रुचि जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए कैरियर संबंधी परीक्षा का सकारात्मक परिणाम मिलने से खुशी का माहौल रहेगा, परंतु बिना बात के किसी से ना उलझें, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। लॉटरी जुआ सट्टा जैसे अनैतिक कार्यों से दूर रहें, क्योंकि इनसे अत्यधिक नुकसान होने की आशंका बन रही है। व्यर्थ के कार्यों में धन भी व्यय होगा। व्यापार में अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आलस व लापरवाही को हावी ना होने, विस्तार संबंधी जो योजना काफी समय से बना रहे थे अब उस पर कार्य करने का उत्तम समय है। अपने महत्वपूर्ण फैसले तुरंत लें। ज्यादा मेहनत व परिश्रम की वजह से थकान और स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस करेंगे। समय समय पर उचित आराम भी लेना आवश्यक है। मीन राशि वाले, इस सप्ताह किसी दीर्घकालिक लाभ की योजनाओं पर कार्य हो सकता। कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना एक चुनौती रहेगी, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस दरमियान विद्यार्थियों को भी मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु ध्यान रखिए कि अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई धोखा भी हो सकता है। किसी निकट संबंधी के साथ कलह वाद विवाद की स्थिति को उभरने ना दें। व्यवसाय में कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि कामकाज का दबाव रहेगा, परंतु आप उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और समय पर पूरा करने में सफल भी रहेंगे। इस समय व्यापार में विस्तार के लिए मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बुखार और शारीरिक थकान संबंधी छोटी मोटी समस्या रहेगी।
इसलिए सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभी के लिए एक उपाय है, आप लोग रविवार के दिन तांबे के बर्तन में जल लेकर लाल फूल डालकर उसको सूर्य को अर्घ दें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में भविष्यवाणी के साथ।